द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कुछ पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर साम दाम दंड भेद के जरिए चुनाव जीतने की जुगत में लगी रहती है। ऐसे में एक खबर जो उत्तर प्रदेश से आई है वो हिला देने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त घोसी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। 5 तारीख को वोटिंग भी होगी इसमें, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले मुसलमानों को घर घर जाकर धमकाया जा रहा है, उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और यह काम कौन कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति का यह काम तो हो नहीं सकता। निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोग मुसलमानों के घरों में जाकर बिजली पानी का कनेक्शन काट सकते हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है कि चुनाव में वोट किस दिशा में करना है या फिर नहीं करना है। और यह सनसनीखेज आरोप, गंभीर आरोप किसी और ने नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं। उन्होंने कहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें घर घर जाकर थ्रेटन किया जा रहा है। अब बताइए कि यह लोकतांत्रिक तरीका है क्या? चुनाव जीतने के लिए कोई पार्टी अगर इस हद तक हथकंडे अपनाएगी तो यह लोकतंत्र में निराशजनक कदम है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, पुनीत कुमार सिंह ने बोलता हिंदुस्तान का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है, घोसी उपचुनाव, मुसलमानों को घर घर जाकर धमकियां दी जा रही हैं, बिजली पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है। अब ऐसे मामले को लेकर जब हमने खबरें खोजने की कोशिश की तो पता चला कि शिवपाल सिंह यादव गए थे वहां उपचुनाव वाले क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुना तो वो हैरान रह गए। उसके बाद वो सीधे तौर पर जिलाधिकारी से मिले और वहां भी उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराइए, ये ज्यादा जरूरी है। मुसलमानों को कैसे धमकी दी जा सकती है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा उन्हें धमकी देकर, उनके सुविधाओं को काटकर? इससे क्या हासिल हो जाने वाला है? जनता को वोट देने का अधिकार है, वो इनका इकलौता ऐसा अधिकार है जिससे सत्ता परिवर्तन हो सकता है, किसी विधायक को खड़ा किया जा सकता है, किसी की हार हो सकती है। लेकिन ऐसे ही वोट के अधिकार को अगर बिजली पानी कनेक्शन काटकर, धमकी देकर दबाने की कोशिश की जाए, अधिकार छीनने की कोशिश की जाए, तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। हम इस संबंध में आपको एबीपी न्यूज की खबर दिखाते हैं। हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में कहा गया है, घोसी बायपोल, मुसलमानों को दी जा रही है धमकी, घोसी उपचुनाव से पहले शिवपाल यादव का गंभीर आरोप। यहां मामला शुक्रवार को हुआ है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को मऊ के डीएम से मुलाकात की और घोसी में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने मुस्लिमों को धमकाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा जा रहा है? मुसलमानों को कौन इस तरीके से थ्रेटन कर रहा है, ये समझने के लिए शिवपाल सिंह यादव की बातों को और भी गहराई में समझना होगा, क्योंकि उन्हें शक है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए कोई पार्टी खासी मेहनत कर रही है तो कोई पार्टी साम दाम दंड भेद के जरिए ही चुनाव जीत लेना चाहती है। वैसे भी अगर धरातल पर देखा जाए, जो भी सियासी घटनाक्रम वहां घटित हो रहे हैं घोसी में, उसमें तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी मालूम पड़ता है। साइकिल छाप से सुधाकर सिंह मैदान में खड़े हैं तो दूसरी तरफ कमल छाप से दारा सिंह चौहान, जो पूर्व में सपा के ही नेता थे, वो मैदान में खड़े हैं। दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता उससे पहले समाजवादी पार्टी को साथ मिलने लगा कई ऐसे क्षेत्रीय दलों का जिनका वहां पर अपना जनाधार है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें वाम दल भी है, उसमें पीपुल फ्रंट पार्टी भी है, और भी अलग अलग दल हैं जो इनके साथ आकर खड़े हो गए हैं, जिनका कुछ ना कुछ वोट बैंक है। अगर ये सब वोट पोलराइज नहीं होता है, ये वोट अगर नहीं छिटके, एक दूसरे का वोट नहीं काटेंगे, तो निश्चित तौर पर साइकिल छाप पे वोट ज्यादा संख्या में पड़ने वाली है। और इस बात की आशंका दारा सिंह चौहान को भी अच्छे से हो गई, बीजेपी को भी अच्छे से हो गई। तो यहाँ एक मुस्लिम वोटर जो किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें बार बार अलर्ट किया जा रहा है, आपके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, कुछ लोगों के काट दिए गए, ताकि ये लोग डर से या तो वोट ही ना करें, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। आइए जरा देखते हैं खबर में क्या कहा जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमें बहुत से शिकायतें मिली हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों को घर घर जाकर धमकाया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जो अभी से बीजेपी के लिए वोट भी मांगने लगे हैं, धमकाते भी हैं, पकड़ भी लाते हैं,
दबाव बनाने पर हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जाते हैं, ये सब तरीके से टेरर फैला रहे हैं ताकि वोट कम पड़े, इसलिए हमने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। शिवपाल यादव ने इस दौरान चुनाव में गड़बड़ियां होने का भी अंदेशा जताया है। ये बहुत ही संगीन आरोप है। इस वजह से इन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की, अपनी बातें रखी हैं कि ये कम वोटिंग करवाने का एक प्रयास है, एक साजिश है। अगर मुसलमान घर से नहीं निकलेंगे तो ये वोट देंगे नहीं। बीजेपी को अच्छे से पता है कि मुस्लिम वोटर्स इस वक्त उनके खिलाफ हैं, वोट तो उन्हें देंगे नहीं। ये वोट निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह को पड़ जाते हैं। ऐसे में ये धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया है। वोट कैसे कम पड़े इसके लिए तरकीबें ढूंढ ली गई हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने खुले तौर पर सारी बातों को कह दिया है। और अब भी अगर यही सिलसिला रहा तब तो फिर चुनाव आयोग को इसमें दखल देना पड़ेगा कि कौन ऐसा तत्व है जो बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है वोटिंग से ठीक पहले। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आगे क्या हुआ है इन लोगों के साथ में। शिवपाल सिंह यादव बता रहे हैं कि पानी का कनेक्शन तक काट दिया गया है। सपा नेता ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कहीं बिजली के तार काटे जा रहे हैं, पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है, पानी रोका जा रहा है, धीरे धीरे यह बढ़ता जा रहा है। हमने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है, उन्होंने हमें कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगर नहीं भी होगा तो सपा का संगठन भी यहाँ बहुत मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि घोसी में चुनाव पूरी तरीके से सपा प्रत्याशी के पक्ष में है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा है कि आप इस मामले में कार्रवाई कीजिए, उन्होंने भरोसा दिया है। लेकिन यहाँ पर उनका आरोप है कि जानबूझकर ये कनेक्शन पानी के काट दिए जा रहे हैं, ये कौन काट रहा है? सत्ता पक्ष के लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, यानी भाजपाई कार्यकर्ता। क्या वो सिस्टम है भाजपाई कार्यकर्ता? क्या कानून है? क्या उनके पास कोई अथॉरिटी है कि वो किसी का पानी बिजली का कनेक्शन काट देंगे? क्या बिजली बिल भी भाजपा के नेताओं को भी जमा किया जाता है, या फिर इस सिस्टम के सहारे सब काम होता है? चुन चुन कर टारगेट किए जाने का सिलसिला क्यों चल पड़ता है? अगर बुलडोजर चलेंगे तो बहुतायत संख्या में मुसलमानों के घर पर चलेंगे, उन्हें आरोप लगाकर, उन पर आरोप अगर हो जाए, सिद्ध हो चाहे नहीं हो, आरोप बस लग जाना चाहिए तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। अभी चुनाव में वोट किसे करेंगे यह तय करने के लिए, या वोट ना करें यह तय करने के लिए इनके घर घर धमकियां पड़ रही हैं, इनका बिजली पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है। ये एकदम से खतरनाक संदेश है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक घोसी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, घोसी की जनता का मूड क्या है। ये सारी बातें 5 तारीख को पता चलेंगी। ऐसे में जो इस वक्त चुनावी समीकरण हैं, सर्वे हैं, वो घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ भारी बताई जा रही है। दारा सिंह चौहान बीजेपी से जरूर मैदान में, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि इस बार चुनाव जीतना वहां काफी मुश्किल सा होने वाला है। तो देखिए इस तरीके की धमकी पड़ने के बाद, शिवपाल सिंह के खुलासे के बाद, क्या मुसलमान वोट देने घर से निकल पाते हैं या नहीं, या फिर उन्हें अभी भी कोई डर सता रहा होगा कि अगर उन्होंने वोट दिया तो उन्हें जो धमकियां पड़ रही हैं कहीं वो सच ना हो जाए, या फिर बिजली पानी कनेक्शन काट दें तो उनके लिए जो लाइफ लाइन होता है बिजली और पानी, उससे वो वंचित रह जाए, त्रस्त हो जाए। फैसला अब यहाँ की जनता को करना है। तो देखिए क्या होता है घोसी विधानसभा सीट पर। लेकिन यह बेहद ही गंभीर और चिंताजनक खबर है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस हद तक पहुंच रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।